ब्रेक से वापस आ गए हैं तो मजीद और भी लोगों से बातें करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रहमान जावेद। रहमान, ये मुझे बताएंगे आप इसके बारे में या ये क्या है सब? जी मैम, ये टेम्परेरी टैटू है जो कि 5 to 7 days स्टिल करते हैं और इसमें हम नॉन टॉक्सिक इंक यूज़ करते हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन आप बॉडी के किसी भी पार्ट पे लगाते हो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अच्छा, कितनी देर के लिए? 7 days ही रहेंगे? जी जी, ये इसका लास्ट टाइम 5 to 7 days होता है। अच्छा, आप इसको वॉश भी कर सकते हैं और एक ही कलर में या ज़्यादा कलर में? इसमें हमारे पास ब्लू, ग्रीन, रेड और ब्लैक है। ब्लैक है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल इसकी क्या प्राइस होगी इतने से की? प्राइस हमारी रिजनेबल ही है, इसमें 100 से 400 तक हमने प्राइस रखी हुई है और इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं है, हर बंदा अफोर्डेबल कर। वेरी नाइस। मैं आपसे सवाल करती हूँ, ठीक है? मुझे बताओ वो कौन सा मुर्ग है जो अंडे देता है? इंडोनेशियन। जो अंडे देता है और सवाल करूं? मुझे बताओ बिल्ली को शेर की खाला क्यों कहते हैं? बिल्ली को शेर की खाला क्यों कहते हैं? क्योंकि वो दर्द पे चढ़ जाती है। चलो क्या शेयर करोगे? शेयर करूंगा, सॉन्ग सुनाएंगे, मैसेज देंगे, क्या शेर सुनाएंगे, क्या करेंगे? अब नहीं आया ना जी, तो गिफ्ट देंगे हम आपको। रू लै गया दिल दा जानी ते बुत सानू चुकना पिया। रू लै गया दिल दा जानी जे तू साडे कर आना नहीं हो ढोला वे, जे तू साडे कर आना नहीं हो ढोला ते यादां नू वी रख सांभ के। रू लै गया दिल दा जानी कासे अखियां दे पर पर डोला, कासे अखियां दे पर पर डोला, कासे अखियां दे पर डोला भी छोड़िया दी अगना बुझे। रू लै गया दिल दा जानी। लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गया। जी टैटूज मैंने देखे और ये मुझे तो बड़े अमेजिंग लग रहे हैं। नाम क्या है इसका? टेम्परेरी टैटूज इसका नाम है और ये बहुत रिजनेबल हैं। 100 रुपया से लेके 400 रुपया में आपको ये मिल जाएंगे। बाहर के मुल्क में तो ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। मैंने भी बनवाया था एक दफ़ा, बड़ी डांट पड़ी अम्मा से और वो भी टेम्परेरी था, ऐसी वैसी बस्ती हुई, मैंने इसको ख़त्म करवाया। हालांकि वो सिर्फ महीने का था क्योंकि हम तो खैर कहते हैं हमारे में तो कि भाई नमाज नहीं पढ़नी, इससे नमाज नहीं हो सकती क्योंकि आप उल्टी सीधी शक्लें अपने पे बनवा लो तो इस्लाम में है कि इसमें नमाज नहीं हो सकती। आगे बेहतर अल्लाह जानता है, अल्लाह पाक कभी कुछ माफ़ फरमाए, तो बस ये है। लेकिन ये आपकी मर्ज़ी है बनवाना, मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम? फरवा। फरवा जी क्या करती हैं? मैं स्टडी कर रही हूँ। ये आपके साथ है बच्चा? जी। इधर आओ, नाम बताओ। अरीब। नाम देखो, कौन सी क्लास में? 2 में। सामने देखो ना। चले जी, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा आपका? इंग्लिश। अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं बीए कर रही हूँ। आप थोड़ा आगे आ जाओ, ये तो हिलता नहीं है। नहीं, इधर चलो। मुझे बताओ ये आपका क्या लगता है? ये मेरी फूफो का बेटा। फूफो का बेटा है, ये दिखाओ घड़ी। अरे वाह, ये क्या क्या करता है इसमें? और भी कुछ होता है कि सब टाइम आता है? टाइम भी आता है, तस्वीर भी। तस्वीर भी खींचती है? दिखाओ, करके दिखाओ। यहाँ से तस्वीर करो ना। अच्छा वाओ, चले जी सवाल करते हैं। मुझे बताओ वो क्या चीज़ है, अगर वो आपके पास हो, आप कुछ भी उल्टा सीधा खा लो, इवन ख़राब खा लो, आपको कुछ नहीं होगा? इवन के क्या मतलब, के खराब भी खा लो कुछ नहीं हो सकता? कुछ भी खा लो आप, वो कुछ नहीं होगा अगर वो चीज़ आपके पास है तो।
नहीं आ रही। क्या सुनाओगी? मैं ब्यूटी टिप बताना चाहूँगी, टिप और सॉन्ग सॉन्ग दोनों सुना दें। हम विंटर की, मैं विंटर की आपको बताना चाहूँगी। आजकल विंटर में स्किन ड्राई हो जाती है, तो सबसे पहले हम 2 टेबल स्पून लेमन जूस और उसके बाद रोज़ वाटर और ग्लाइसिन को मिक्सचर करके उसके बाद हम ओवरनाइट लगाएंगे। जो सुबह उठेंगे तो उसके बाद स्किन मॉइस्चराइजिंग एंड सॉफ्टिंग होगी। और दिल दियाँ गल्ला करांगे नाल नाल बेके अख नाल अख नू मिला के दिल दियाँ गल्ला। आप क्या सुनाएंगे? माइक पकड़ो, सुनते क्यों नहीं हो तुम मेरी बात? माइक पकड़ो, सामने देखो, चलो। बबूला है मोटर का, उसके नीचे पहिया, चाबी से वो चलती है, उफ 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 करती है, आगे जाए पीछे जाए दाएं बाएं वो मुड़ जाए। बेटा लाहौर न्यूज की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट। थैंक यू, थैंक यू। जी इनको सवाल का जवाब तो नहीं आया, मगर इन्होंने जो सॉन्ग सुनाया, टिप दी, पोइम सुनाई, तो अच्छा मजा आया, एंजॉय किया। उम्मीद है कि आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। खैर किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हुरैरा मुश्ताक। ओके, आपने ना सामने देखना हुरैरा, ठीक है? चलिए हुरैरा, आप क्या करते हैं? मैं स्टडी कर रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? मैं अभी मैट्रिक कर रहा हूँ। मैट्रिक। फेवरेट सब्जेक्ट? फेवरेट सब्जेक्ट मेरा आप फिजिक्स। और बुरा कौन सा लगता है? बायो। अच्छा, क्या बनना चाहते हैं आप? मैं भी वैसे वो फील्ड नहीं चूज की, बट एन एक्टर, और एक्टिंग फील्ड मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, वाओ। चलो कोई मशहूर एक्टर की कोई एक्टिंग, कोई डायलॉग बोल के दिखाओ। टीवी पे लोग आपको देख रहे होंगे, आपकी एक्टिंग अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपको मौका मिलेगा। मैं अपने स्कूल में इस तरह के स्टेज परफॉर्म करता हूँ, और बाकी मुझे पोइट्री का अच्छा खासा शौक है। चलो वो भी सुनाना, पर पहले मुझे कोई एक्टिंग, कोई डायलॉग बोल के दिखाओ ना। एक्टिंग का डायलॉग्स बेसिकली मैं इतना याद नहीं करता, मुझे पोइट्री का शौक है तो बस पोइट्री याद करता हूँ। बोला तुम एक्टर बनना चाहते हो ना, तो जो स्क्रिप्ट होती है बस वो स्क्रिप्ट लर्न कर। तो एक्टर का काम है जब उसके ऊपर पॉइंट आता है ना, उसको एक्टिंग करनी है। तुम्हें मैं टारगेट दे देती हूँ, ठीक है? तुमने बोलना है कि मैं पास हो गया, ठीक है, एग्जाम में। बड़ा इमोशनल सीन है। मामा आज फाइनली मैं एग्जाम पास हो गया हूँ। हाँ, सो अब मुझे खुद भी यकीन नहीं था। ओके, वही ना, जैसे तुम बता रहे हो, मुझे खुद भी यकीन नहीं था। चलो मुझे बताओ, सवाल करती हूँ तुमसे, वो क्या चीज़ है अगर वो आपके पास हो तो आपके साथ आप खाना खराब भी खा लो, जहर खा लो, आपको कुछ नहीं होएगा, वो क्या चीज़ है? वो माँ का दम किया हुआ पानी। स्वीट, लेकिन जवाब कुछ और है। हाँ, जवाब कुछ और है। वो ऐसी क्या चीज़ है जिसके साथ मैं जहर वाला खाना भी खा लूँ? कुछ नहीं होगा आपको। मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। है, ओके, लेट मी थिंक, टेक योर टाइम। क्या चीज़ है जिसे मैं खा लूँ? आई डोंट गेस के ऐसी कोई चीज़ होगी। क्या सुनाओगे? मैं आपको आशार सुना सकता हूँ कुछ। ना मैं आया हूँ, ना मैं लाया गया हूँ, मैं हरफे कुन हूँ, फरमाया गया हूँ, मेरी अपनी नहीं है कोई सूरत, मैं हर एक सूरत से बहलाया गया हूँ। वाओ, वेरी नाइस। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। थैंक यू। वेलकम जी। बच्चे ने जो है अच्छी एक्टिंग की और मज़ा आया उसकी एक्टिंग देख के। द वे वो कहता है कि माँ मैं पास हो गया, हाय अल्लाह, वाकई लग रहा था तूने नहीं पास होना, जैसे तू बता रहा था बेटा, तुझे खुद भी यकीन नहीं था, तेरा तुक्का लग गया। खैर किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अफशीन। बेटा आपका नाम? आयशा। कौन सी क्लास में हो? नर्सरी। आप क्या करते? मैं हाउस वाइफ हूँ। कितने बच्चे हैं? टू मेरे किड्स हैं, वन बॉय वन बेबी। ओके, चले मैं आपसे सवाल करती हूँ, ठीक है? जी, गौर से सुनिएगा। किचन में काम करती हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, बना लेती हैं। मुझे बताएं किचन में इस्तेमाल होने वाली कोई भी 10 चीज़ों के नाम बताने एक सांस में।
रुकना नहीं है, आपकी हेल्प कर देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल घी भी हो सकता है, माइक्रोवेव भी हो सकता है, कुछ भी जो किचन में इस्तेमाल हो रहा हो. जो आप कर दें, उर्दू इंग्लिश पंजाबी कुछ भी, एक सांस में. ठीक है, एक सेकेंड स्टार्ट. स्पून, सांस ले रही हैं आप? सांस ही लेना, सांस लेना. चलें दोबारा से. चम्मच, छुरी, चाकू और बनाना, एप्पल और प्रेशर कुकर और नाइफ. सांस लिया फिर से, ऐसे नहीं जैसे ऐसे, एक दो तीन चार इस तरह. अच्छा ठीक है, सांस नहीं लेना, दोबारा से कोशिश करें. ठीक है ठीक है. चम्मच, कांटा, सॉस पैन, तवा, चूल्हा और ग्लास और जग और देचका और माचिस और चिमटा. ये दस. क्लैपिंग करें जी, इनके लिए क्लैपिंग करें, आप खुद भी करें अपने लिए. क्या सुनाएंगे आप? मैं रेसिपी आपको सुनाऊंगा. हाँ जी, वैसे तो लोग काफ़ी जो है ना डिफरेंट स्टाइल से जो है ना वो बनाते हैं रेसिपीज. मैं आज आपको बिरयानी की रेसिपी बताऊंगी. बिरयानी की रेसिपी कुछ ऐसे है कि लोग तो लेयर्स वाली भी बनाते हैं, लेकिन ये भी लेयर्स वाली ही है, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है. और हम इसमें जो है ना वो डिफरेंट तरीके से जो है ना वो चीज़ें ऐड करते हैं. स्पेशली इसमें आपको मैं इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ. इसमें हम जो हैं वो सब कुछ, जैसे कि मसाला जात है, इसमें प्याज और हरी मिर्चें और लहसुन, अदरक और सारा कुछ इसको आपने ग्राइंड कर लेना है. और फिर इसमें आपने जो स्पाइसेस ऐड करने हैं वो आपने अपने तरीके से ऐड करने हैं. ज़्यादा स्पाइसेस रखनी है तो आप ज़्यादा ऐड करेंगे, अगर कम आपने स्पाइस करनी है तो आप कम ऐड करें. जिसमें आ जाएगा काली मिर्च, सुरख मिर्च, लाल मिर्च, और काली मिर्च के अलावा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, सूखा धनिया, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर लें. उसके बाद जो है चिकन जो है उसको आपने अलग से लेना है, और वो चिकन जो है वो आप उसको बॉयल वगैरह कुछ नहीं करेंगे, आप उसको आपने इसके अंदर ऐड करना है और हाथ के साथ उसको लगाना है अच्छे तरीके से, ताकि वो मैरिनेट हो जाए अच्छे तरीके से. उसके बाद आपने चावल जो है वो बॉयल करने हैं, और एक पैन लेके उसको ऑयली पैन करना है. उसके अंदर आपने वो मैरिनेट किया हुआ आपने चिकन जो है वो उसके अंदर डाल देना है. और उसके बाद चावलों की जो है ना लेयर्स वो आपने लगानी है, इसी तरह दूसरी भी लेयर्स लगानी है, और आप उसको हल्की आंच पे रख दें. ऐसे आपकी रेसिपी जो है वो बहुत अच्छी बनेगी, और कम अज़ कम एटलीस्ट आप जो है ना 20 या 25 मिनट्स में इसको आप जो है ना दम पे रखेंगे तो बहुत अच्छी बिरयानी आपको मिलेगी तैयार. और इसको सैलेड के साथ और रायते के साथ आप सर्व करें, बहुत मज़ा आएगा. थैंक यू. वेरी नाइस. और आपने क्या सुना? मछली का बच्चा सुना. मछली का बच्चा, माइक पकड़ो सामने. ने मछली का बच्चा अंदर से निकला, पानी में घुसला, अब मैं बकरा भैया ने खाता, मम्मी ने पकाया, सब ने खाया, बड़ा मज़ा आया. वेरी नाइस. लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए. थैंक यू. जी, बड़े लोगों ने हमें जो है वो आज तक रेसिपीज बताई हैं, लेकिन मेरा कहना है कि आज तक इतनी अच्छी रेसिपी नहीं किसी ने बताई होगी. बहुत डिटेल्ड, बहुत बताया क्या डालें, क्या ना डालें, कब डालें, कितने मिनट पकाएं. वेरी नाइस. तो प्लीज़ ऐसे इंटरव्यूज जब आप लोग टीवी पे देखते हैं तो इससे सीखा करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप आएँ तो आप भी इतने ही अच्छे तरीके से जो है वो हमें रेसिपी बताएं. क्योंकि आप देखिए, जो टीवी पे बैठे हुए लोग हैं ना, वो जब देख रहे हैं तो उनको कोई इन्फॉर्मेशन भी मिलनी चाहिए, यू नो. अक्सर लोग कहते हैं फ्राई करें, चावल उबालें, गोश्त फ्राई करें, मसाला डालें, मिक्स कर दें, ऐसे नहीं. जिस तरह इन्होंने बताई है बहुत अच्छी थी मेरी तरफ से, तो भाई मैं बहुत खुश हूँ. तो मैं कहूँगी आप इनकी तरह बताया करें, इससे आशीर्वाद करें. अस्सलाम वालेकुम. नाम कौन? नाम आपका? मेरा नाम सबा है. क्या करते हो? मैं फिर इंजीनियरिंग का यूनिवर्सिटी जाना है मैंने. चलो मुझे बताओ कि हमारी बॉडी के वो कौन से दो पार्ट हैं जो मरने तक बढ़ते रहते हैं? मुंह में ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक इतने एरिए में मरने तक बढ़ते रहते हैं. यहाँ तक दांत बढ़ते हैं. इतने बड़े हो जाने चाहिए अब तक. क्या बढ़ता है? और बाल पार्ट, बॉडी बाल इज नॉट अ पार्ट, इंटर पार्ट.
इनर पार्ट, इनर पार्ट नहीं मैंने कहा, बाल पार्ट नहीं है। ठीक है, ऐसा तो यहाँ भी बाल है, यहाँ भी बाल है, बढ़ता रहता है। पता नहीं क्या सुनाऊंगी, मैं सॉन्ग सुना देती हूँ। जागे जागे रहते थे, खोए खोए रहते थे, करते थे प्यार की बातें, कभी तन्हाई में कभी पुरवाई में, होती थी रोज मुलाकातें, कभी अनजाई में। बस ठीक है। अच्छा जी, फेवरेट सब्जेक्ट मेरा फिजिक्स है। बुरा? हाँ बुरा को केमिस्ट्री। अली भी आती है? हाँ जी पक्का। हाँ आती है। सुनाओ। अलिफ अलिमत दा बे पे ते टे से जीम चे हे खे दाल डाल जा रे अड़े जे से सीन शीन स्वाज वा तोए जोए आइन गइन फा काफ लाम मीम नून वाव हे हमजा चुटिए बढ़िए। ठीक है, शाबाश। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए वेलकम। बहुत क्यूट सी लड़की थी, उसकी स्माइल बहुत क्यूट थी, मजा आया। अली बे तो हूं में सिखा के छटनी है तन सारे। सही है ना, अली बे पे अब नो कॉम्प्रोमाइज। जी तो टाइम हो गया है एक ब्रेक का, मैं जा रही हूँ, फिर जल्दी से आती हूँ। लेट्स हैव अ ब्रेक।